उल्का ने अपने माँ बाप को बंबई आकर उसकी पसंद शरद पाटिल को देखने के लिए बुला भेजा था। खत मिलते ही भोले भाले चौधरी किशनदास अठावले सोच में पड़ गए। चुनाव आ रहे थे और वो तो हमेशा चुनाव लड़ते थे कलेक्टर की मदद से। अलबत्ता उल्का की माँ रुक्मणी फौरन बंबई कूच करने को राजी हो गई। इधर दिल्ली से लौटने पर अरविंद शरद से मिलने गया तो उसने मजाक में जिक्र कर दिया कि अभिलाष ने भी एक लड़की पसंद कर ली है। संयोगवश उस वक्त उल्का भी वहां मौजूद थी। अब आगे उल्का, ये अल्ट्रा एंटरप्राइजेस के स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें एक बार फिर से टैली कर देना। और फिर जमनादास एंड सन्स की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो मुझे चाहिए। 12:30 बजे उनके जीएम के साथ मेरी मीटिंग है। उल्का, कम ऑन, तुम भी चाइल्डिश। जो तुम्हारे मेरे बीच में हो तुम बैंक के काम के बीच में क्यों ला रही हो? देखो, मैं तुमसे फिर माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी, और मेरी माँ की ओर से भी माफी मांगता हूँ। प्लीज रुका। और आपके वो भाई साहब? भाई साहब? कौन भाई साहब? वही मिस्टर अरविंद वर्मा, द ग्रेट एडवोकेट। अब उन्होंने क्या किया है? बताया नहीं उन्होंने आपको? क्या नहीं बताया? अभी तुम पास नहीं आओगे। मेरे इतना कहने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम अभी तक अपने घर वालों को उसी भुलावे में रख रहे हो कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूं, जबकि 4 दिन बाद मेरे पेरेंट्स यहां आ रहे हैं और शरद के साथ मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। और शरद को तो तुम अपना अच्छा दोस्त कहते हो, क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शरद को अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चला तो क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी उसके दिल में तुम्हारे लिए? Stop it, उल्का। मुझे दोबारा शर्मिंदा करने में तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? आज तुम मेरे बारे में शायद कुछ भी सोचो, लेकिन क्या मैंने तुमसे कभी ईमानदार दोस्ती नहीं निभाई है? यही बदला है ना उसका? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त समझा, इसी वजह से तुम्हें अपने ऊपर पूरा हक दिया, तुम पर विश्वास किया। इसका ये तो मतलब नहीं अभिलाष कि तुम पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटते फिरो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुमसे शादी करने वाली हूं। मैंने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा है उनका। अगर मैंने तुमसे दोस्ती की तो पूरी ईमानदारी से, और अगर प्यार करने की गलती भी की ना तो उसमें भी कोई बेईमानी या चाल नहीं थी। मैंने तो सच्चे मन से तुम्हें मां से मिलवाने को ले गया था, क्योंकि मुझे मुझे विश्वास था कि तुम मुझे चाहती हो। लेकिन जब तुमने मुझे साफ कह दिया कि तुम शरद से प्यार करती हो, उसके बाद तो मैंने तो दर्द का एहसास तक नहीं होने दिया किसी को। फिर उस दिन तुम्हारे वो भाई शरद के ही सामने क्या बकवास कर रहे थे, जानते हो मेरी हालत क्या हो गई थी? किस तरह से तुम्हारा कैरेक्टर बयान किया था उन्होंने? अब मुझे क्या पता, ना ही मैंने उनसे उस बारे में कोई बात की थी। अब अगर मां ने उनसे कुछ कह दिया हो तो मैं क्या कर सकता? अब मैं सबसे ये तो नहीं कहूंगा ना कि उल्का मुझसे प्यार नहीं करती। वो तो मेरी ही गलती थी जो मैं ऐसा सोचता था। उसे उसे शरद पसंद आ गया है और उसने मुझे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। या कहो तो ये ढिंढोरा भी पीट देता हूं मैं। अभिलाष, यू बेटर गेट बैक टू योर टेबल।
नहीं समझ में आता कि आपको क्या जरूरत थी मेरे मामलों में टांग अड़ाने की। अरे मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? अगर शरद से थोड़ा मजाक कर लिया तो। अरे मगर क्यों, क्या लगता है शरद आपका? अरे आप तो उसे अपने घर में आना तक नहीं देना चाहते थे। देखो अभी पहले मैं उसे गलत समझ रहा था, अब उसकी इमेज मेरी नजर में बदल गई। आप हर चीज हर आदमी को अपनी नजर से देखेंगे, दूसरों के सेंटिमेंट्स का आपको तो कोई ख्याल नहीं। आपकी बातें, आपके तर्कश से निकले तीर किसी को कहां जा चुभेंगे, कितनी गहरे चोट पहुंचाएंगे ये तो आप नहीं देखेंगे, बस चलाए जाएंगे अपने बाण को। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया या कहा है जिससे तुझे इतना बुरा लगे, लेकिन अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो कुछ बात और ही है जो मुझे पता नहीं, या फिर तू मुझे बताना नहीं चाह रहा है। अरे मैं क्यों बताऊं आपको कुछ बात या किसी को भी कोई बात? मुझे नहीं चाहिए किसी की संपत्ति। अरे अरविंद के हाथ ही क्या रामायण शुरू हो गए तुम दोनों में? रामायण नहीं मां, महाभारत को महाभारत देखो कैसे बिगड़ रहा है मुझ पे। मैंने शरद से जरा पूछ क्या लिया कि भाई हमारे भाई साहब भी मां को दिखाने के लिए एक लड़की लेके आए थे, क्या तुमने देखा? बस। और एक और इनके ऑफिस की लड़की थी जो शरद की होने वाली वाइफ है, क्या नाम उसका? उल्का। मैंने उसे थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया कि बस भाई चढ़ गया है राशन पानी लेके मुझ पे। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी से हंसी मजाक करने की? ऐसा मैंने बुरा कहा ही नहीं है मां। लाया बुरा, कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी? अरे रहने दो ना मां, जो हो गया सो हो गया, और आप जरा लगाम दीजिए अपनी जुबान को। हां का दो दोस्तों के बीच में गलत फहमी पैदा हो सकती है। किसी काम के नहीं थे, अब जब काम आन पड़ा तो बीमार हो गए। लगता है लड़की का कन्यादान भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। कन्यादान? अरे भाई कन्यादान तो शादी के वक्त होता है, अभी से। तो अब इतनी दूर जाऊंगी तो क्या लड़के का सिर्फ मुंह देख के लौट आऊंगी? अब मैं शादी करके ही लौटूंगी। अरे तुम बेटी की शादी बाप के बिना ही कर डालोगी? तुम्हारा क्या भरोसा बेटी के जन्म भर कुआरी बैठी रहेगी कि बाप ठीक होए तो मैं ब्याह करूं? तो तुम्हें नहीं लगता रुक्मणी कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है वो बताओ। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूं। तो बिस्तर में क्यों पड़े हो? वो तो बिस्तर तो वो डॉक्टर ने कहा ना, इसलिए। तुम कहो तो मैं खड़ा हो जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, पड़े रहो ऐसे, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लोग मुझे ही बदनाम करेंगे। नहीं नहीं, मैं शादी में कोई विघ्न नहीं चाहती। देखो तुम फिक्र मत करो, कलेक्टर कह रहा था मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वो आप कोई नीम हकीम या ज्योतिषी हो गया है? क्यों? कहीं कुछ गंडा ताबीज तो नहीं बांध दिया मरेले तुमको? ओ नहीं नहीं, उसे क्या जरूरत है गंडा ताबीज बांधने की, उसकी तो दुआओं में ही बड़ा असर है। हाँ। जीते जी मर जाए, मगर इसको कफन भी नसीब ना हो, इसके सारे कैप्सूल चिपक जाए, इसकी सारी गुड़ियां टूट जाए और सब दवाइयों में पानी पड़ जाए, इंजेक्शन की सब सुइयां टूट जाए, एक राखना फटके इसके सामने बैठा मक्खियां मारता रहे और एक भी मक्खी ना मरे। अरे यार ये किसे कोसने पे लगा है तू? कैसी अजीब अजीब सी बद्दुआ दे रहा है? अजीब बद्दुआ ना दूं तो क्या दुआएं दूं कमा है? अजी दो दिन से सर जी को बीमार कर रखा है और मुझे और आपको परेशान कर रखा है। अजी मेरे दिन का चैन और आपकी नींद हराम कर दी है इस दवा मिले ने। मेरी तो नींद कोई नहीं हराम हुई, बड़े आराम से सोई थी मैं तो रात भर। लेकिन मरे ये दवा मिले किसे कह रहा है तू? तो क्या मार्टी मिले बोलो उस डॉक्टर के बच्चे को, पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्यों? अजी जालसाजी के जुलम में एमएके सबसे पैसे वसूल करता फिरता है। देख कलेक्टर जरा खुलकर बता क्या बात है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। सर जी जल्दी जल्दी बता कि क्या कहा डॉक्टर ने। सर जी आपको कुछ नहीं हुआ, आप बड़े चंगे। अच्छा, अरे ये देश तो रसातल में चलता चला जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अब होगा ये कि आपको बंबई चलना पड़ेगा हमारे साथ। देखो मैडम जी आपकी भीड़ के पीछे इशारे कर रहे हैं दोनों। अबे तो क्या मैडम के सामने इशारे करूंगा, है ना? बुद्धि की वाकई तुझमें कमी है मैनेजर। मगर इशारे किए क्यों? चुगलखोर कहीं के? हाँ भाई हमारा भी दिमाग चाकता रहता है, कभी ये भैंस दूध नहीं दे रही, वो भैंस टांग मार रही है, अरे भैंसों तक को नहीं छोड़ता। तू भी कुछ कम नहीं है कलेक्टर। मैं जी चल जा सामान बांध अपने सर जी का, शाम की गाड़ी से निकलना है इन्हें, है ना? अच्छा सर जी मैं चलता हूँ फिर। नहीं जरा मैं भी चलता हूँ, जरा बाहर जाकर देखूं हवा किस तरफ की चल रही है, दो दिन से मेंढक की तरह बैठा हूँ कुएं में। बैठे रहो यहीं पर, जब देखो उसके पीछे पीछे चल देते हो,
जैसे वो नौकर नहीं अक्कल हो तुम्हारी। अजी ये सर्दी इस कमरे को कुआं और अपने आप को मेंढक कह रहे थे, क्या हो गया इन्हें? ठीक हो गए, अब तुझे सारा तबेला संभालना पड़ेगा। हम पता नहीं बंबई से कब तक लौटे। अजी मत लौटो, लौटो ना लौटो, हमें क्या लेना देना है? पहले भी तबेला हमें संभालते थे, अब भी हमें संभाल लेंगे। देख हिसाब किताब ठीक से रखना और जो कुछ पूछना है मुझसे जल्दी जल्दी पूछ ले। अजी एक बात पूछूंगा। जल्दी पूछ, समय नहीं है मेरे पास। अजी आप वो कलेक्टर और सर जी को बंबई लेके जा रहे हो और हमें ये भैंसों के तबेले में छोड़ के जा रहे हो, काय को? मैनेजर वो क्या है कि जब भगवान भैंसों और अकल का बंटवारा कर रहा था ना, हाँ जी, तो तूने तो मांगी भैंसे और हमने मांगी अकल। सही है, जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वही मांगेगा ना भगवान से। ये क्या क्या भाई, वाकई बड़े दिलदार हैं तुम्हारे माँ बाप। इतना लंबा तार तो कभी हमारे डिपार्टमेंट में भी नहीं आया, जहाँ लोग खामखा तार भेज देते हैं ताकि उनकी शिकायत को जरा ज्यादा अटेंशन मिल जाए। शायद मेरे मम्मी डैडी की भी इंटेंशन अटेंशन की रही होगी, वरना लेटर होता तो तुम पढ़ते थोड़े ही, बस मुझे पूछ लेते। हाँ बता दो क्या लिखा है। ये तार किसी लेटर से कम नहीं है, सब कुछ तो है इसमें, आशीर्वाद, प्यार, सेहत कैसी है, वो कैसे है, ये कैसा है। तुम्हें कुछ ऐतराज है? बिल्कुल नहीं, इसे हम लोग संभाल कर रख लेते, कभी कभी फुर्सत में आराम से पढ़ा करेंगे। शरद तुम मेरे मम्मी डैडी का मजाक उड़ा रहे हो। बिल्कुल नहीं, मेरी ये मजाक और वो भी तुम्हारे सामने। नहीं नहीं उल्का, ये सब शादी के बाद, अभी तुम्हें हक नहीं है इस सब का। आजकल तुम्हारी जुबान भी अच्छी चलने लगी है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी विकेट हो गया है। अच्छा चलो आज तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस ले लेते हैं। वो किस खुशी में भाई, क्या तुम्हारी शादी में पहनने? वो शॉपिंग तो बाद में होगी, फिलहाल तुम्हें अपने इन-लॉज को रिसीव करने के लिए एक बढ़िया सी ड्रेस चाहिए। देखो उल्का, ये लोग 2 नवंबर को यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 3 नवंबर को अजय वर्मा का कन्फेशन रिकॉर्ड होना है। I don't know कि मैं 2 नवंबर को फ्री हो पाऊंगा या नहीं। क्या मतलब, तुम मम्मी डैडी को रिसीव करने नहीं आओगे? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा, मैं कह रहा हूँ शायद हो सकता है ना आ सकूं। और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? I can imagine कि कितने एक्साइटेड होंगे वो दोनों तुम्हें देखने को। और तुम, मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि उनके सन इन लॉ साहब इतने बड़े सरकारी अफसर हैं कि अपने इन-लॉ से पहली मुलाकात करने का भी वक्त नहीं है उनके पास, बहुत बिजी सरकारी अफसर हैं। देखो देखो उल्का, मैं बिजी ना सही लेकिन एक एक जिम्मेदार अफसर जरूर हूँ। तो क्या अपने अपने इन-लॉ को रिसीव करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? ऑफ कोर्स है, लेकिन उस दिन मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है और वो जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी जा सकती, जबकि ये दी जा सकती है। किसे? तुम्हें, अभिलाष को। फिर अभिलाष? अरे मगर क्यों नहीं, मेरा मेरा दोस्त है, वो भाई है मेरा, सब कुछ है वो। मगर वो नहीं है जो तुम हो। मगर मुझसे कुछ कम नहीं है, शायद कुछ बेहतर ही हो। मैं यहाँ तुमसे अभिलाष के बारे में नहीं आऊंगी। तुम ये आजकल अभिलाष का नाम सुनकर इतना चिढ़ने क्यों लग जाती हो? और तुम दोनों आजकल साथ भी नहीं दिखाई देते हो, बात क्या है? कुछ नहीं, बात क्या होगी? तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आते? तुम बेशक अकेली आना चाहो लेकिन वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ता था। बस यही मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। और वो मान गया? I don't believe this, उनका। It's impossible. साथ अगर बीमारी बन जाए तो उसे तोड़ना ही अच्छा होता है, दोस्त अगर बोझ बन जाए तो उसे भूलना ही अच्छा होता है। शरद देखो उल्का, तुम्हारी और अभिलाष की दोस्ती क्या थी, कैसी थी, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि अपनी वजहों से तुम मेरी और अभिलाष की दोस्ती के बीच में मत आ जाना, वरना ये मेरे, तुम्हारे और शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चल अभी अभी तुम वहां से आके यहां सो गया, ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं भैया, मूड नहीं है आज। मूड नहीं है? पहली बार सुन रहा हूं भाई कि ऑफिस जाने के लिए भी मूड होता है। अरे ऑलराइट, छोड़े ना भैया, सुन लीजिए। अभी बात क्या है, कुछ मुझे भी तो बता, कल से इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है तू? अभी क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ भैया, यूं ही मूड खराब है। किसने मूड खराब किया है तेरा?
वही लड़की जिसे तू माँ से मिलवाने घर लेके आया था। प्लीज भैया, अब सुबह सुबह मुझे तंग मत कीजिए। तंग नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े भाई होने के नाते नसीहत देना मेरा ये फर्ज बनता है। अच्छा, दीजिए नसीहत। देखा भी, ये लड़कियों के चक्कर जवानी में सभी के चलते हैं, हमारे भी चले, पर इसको रोग बनाकर दिल से लगा लेने से कोई फायदा नहीं। पता नहीं दूसरी पार्टी पर कोई असर हो भी रहा है कि नहीं, इधर आप अपना केस बिगाड़ कर बैठे हुए हैं। शादी जब होनी है हो जाएगी, बेकार ही झमले लेने से क्या फायदा है। भैया, दुनिया में क्या हर चीज फायदे नुकसान के लिए की जाती है? इमोशंस और ग्रेटिट्यूड जैसा कुछ भी नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? खाली वक्त काटने के लिए इससे अच्छा कोई टॉपिक नहीं है। अच्छा, चलिए सब की छोड़िए, पापा के लिए आपका जो लगाव है, क्या वो भी वक्त काटने वाला टॉपिक है? माया के साथ भी क्या आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? नॉनसेंस अभी। नॉनसेंस? क्या बात है, तू फिर सुबह सुबह इसके पीछे पड़ा है? माँ कुछ नहीं है, तुम जाओ, मैं अभी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। अरे ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बातें हो रही है जो माँ के सामने नहीं कर सकते? माँ कुछ होती है ना, होती है कुछ बातें। अब जैसे दो बेटे जब जवान हो जाते हैं तो वो दोस्त भी होते हैं और भाई भी होते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माँ बाप के सामने नहीं की जा सकती। अच्छा, अरे जाओ ना माँ, आज जिंदगी में पहली बार अरविंद भैया मुझसे दिल खोल के बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो इस मोहे के दिल भी है? ये तो हमेशा दिमाग से काम लेता है। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे तुम्हारी बुआ के घर जाना है। शायद माँ सच्ची कह रही है, लेकिन दिमाग ही है जो सही फैसला करता है, दिल का क्या? मेरे पापा के आदर्श मुझे जस्टिफाइड लगते हैं, क्योंकि सच और ईमानदारी की जिंदगी चैन और सुकून की जिंदगी होती है। अच्छा, और माया? अभी मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेरे कुछ वैल्यूज हैं, जब तक वो उन्हें अप्रिशिएट करती थी तब तक वो मेरी दोस्त थी, जब वो उनसे अलग कुछ एक्सपेक्ट करने लगी तो भाई अपने बस के नहीं। आपको अगर वैसा कोई मिले तो ढूंढ लो। हमने तो साफ साफ कह दिया कि माया जी, हम किसी के लिए अपने आप को बदलेंगे नहीं, और फिर अगर आप चली जाएंगी तो आंसू भी नहीं बहाएंगे। सो ब्रदर, वो सुना ना तुमने कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा? चिरप।